तो बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 1 3 इक्वल टू 4 और 3 2 इक्वल टू 9, 4 3 इक्वल टू 16 और 2 3 इक्वल टू कितना होगा, वो वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए आयुष आ रहे हैं, देखते हैं आयुष कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो आयुष इसको सोचो समझो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 1 3 इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 2 इक्वल टू 9 दे रखा है, 4 3 इक्वल टू 16 और 2 3 इक्वल टू कितना होगा, आंसर कितना आएगा फटाफट लिख दो। ठीक है, कितना आंसर आएगा अभित प्रूफ के साथ बताना है कैसे करा आपने। ठीक है, रॉन्ग है। उसके बाद आ जाएंगे देव, देखते हैं देव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने लिखा है 18 जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद अभिषेक आएंगे, देखते हैं अभिषेक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो अभिषेक ने लिखा है 17 जो कि रॉन्ग है। उसके बाद आएंगे जिगर, देखते हैं जिगर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग। उसका नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। तो इन्होंने लिखा है 5 जो कि रॉन्ग आंसर है। उसका नेक्स्ट आप आ जाओ, दिमाग लगा क्वेश्चन में। जब 1 3 इक्वल टू 4 आ रहा है तो कैसे कैसे वैल्यू आ रही है, ये 4 9 16 आया तो नीचे क्या वैल्यू आएगी, रॉन्ग। आ जाओ फटाफट से आयुष, देखते हैं आयुष कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने 6 लिखा है जो कि रॉन्ग है। अरियंश आएंगे, तो अरियंश देखते हैं क्या आंसर बताते हैं इसका। तो इन्होंने लिखा है 8, तो 8 कैसे आ रहा है अरियंश ये बताओ मुझे। ठीक है, 8 कैसे आया नहीं पता। तो नेक्स्ट आएंगे फिर, आ जाओ अनंत। तो इसका आंसर 8 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा बताना है। नहीं पता, तो अब रेनु आ गई है फटाफट से बताएंगी। तो रेनु कैसे करना है क्वेश्चन, कितना आंसर आएगा, कैसे आया। वेरी गुड, यानी कि 2 3 6 प्लस 2 को ऐड कर दिया। ऐसे ये जो आए थे 3 की मल्टीप्लाई 3 और 1 को ऐड कर दिया, 3 की 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 को ऐड कर दिया, मतलब आगे वालों को ऐड करते आएंगे दोनों की मल्टीप्लाई। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इनके लिए।